बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन क्लास। जो लोग क्लास में आ चुके हैं, बाकी दो एक स्टूडेंट्स हैं उनका इंतजार कर लीजिए एक मिनट, इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Now it's time for lecture. So if you can listen to me, kindly do tell me. सेलिंग टू बेसेंट टाइम पोइम हमने शुरू की थी परसों। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमने WB Yeats का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद सेलिंग टू बेसेंट टाइम पोइम क्या है इससे मुतलिक बताया था। मैं मुख्तसर रिपीट कर देता हूँ ताकि हमें याद आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि बेसेंट टाइम एक शहर का नाम है जो कि मौजूदा दौर में तुर्की का शहर इस्तंबोल है। इसको पुराने जमाने में बेसेंटाइन कहा जाता था, इसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता था। और
कभी किसी वक्त में जब मुसलमानों ने इसे फतह नहीं किया था, इससे पहले ये क्रिश्चियन कल्चर का मरकज था, सेंटर था, सबसे बड़ा मरकज था ये। और डब्ल्यू बी यीट्स उस पुराने जमाने को याद करते हुए ये ख्याल करता है कि आज के दौर में इस दुनिया में हर तरफ अफरा तफरी है, लेकिन अगर उसको रूहानी सुकून चाहिए, सेलवेशन चाहिए, तो ही शुड गो टू बेजेंटाइन स्पिरिचुअली, तो उसको रूहानी तौर पर बेजेंटाइन जाना होगा। ये इस नज़्म का बैकग्राउंड था। उसके बाद फर्स्ट टू स्टैंजास में हमने पढ़ा था कि इन दिस वर्ल्ड देर इज नथिंग बट लस्ट एंड एंटरटेनमेंट, कि यहाँ पर मौजूद हर शख्स दुनियादारी में मसरूफ है और उसे सिर्फ दुनिया की तफरी, उसकी लज्जतें, उसकी आसाइशें चाहिए, और इसके अलावा दुनिया वालों का कोई मकसद नहीं है, वो अपनी इखलाकियात को भूल चुके हैं। इन चीजों को देखते हुए अब शायर बेसेंटाइन जाना चाहता है। अब थर्ड स्टैंजा पे आते हैं जी। फर्स्ट टू स्टैंजा हमने पढ़े थे, फर्स्ट टू स्टैंजा में हमने ये सारा कुछ पढ़ा था। अब ये कहता है कि ओ सैग्स स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। सैग्स मतलब होता है इंटेलिजेंट पीपल, अकलमंद जहीन लोग, के ये जो तस्वीर बनी हुई, यहाँ पर ये शख्स, ये शायर एक चर्च की दीवार पर बने हुए मनाजिर की तरफ इशारा करता है कि वहां पर गोल्डन कलर से पेंटिंग्स बनी हुई है, कुछ एंजल्स की हैं और कुछ उनके सेंट्स जो पुराने जमाने में गुजर चुके मुकद्दस लोग थे जिन्होंने अपने दीन की खिदमत की थी क्रिश्चियनिटी के हवाले से, उनकी तस्वीर बनी हुई है और उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो सेंट्स स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल come from the holy fire will in guide and be the sinking master of my soul unse mukhatib hua kehta hai ki oh sages or saints I can see your pictures on the walls, those are beautiful pictures, but I request you to come out of those pictures, in tasaveer se bahir aa jao and guide me in my holy song, और मुझे वो मुकद्दस गीत सिखाओ, बताओ वो मुकद्दस गीत जिसके बिना पर मेरी बख्शिश, मेरी निजात हो सके, and be the singing master of my soul, यानी teach my spirit, teach my soul, the song, the spiritual song which could make me free from sins and problems. Consume my heart away, sick with desire. Consume my heart away. Consume का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना। यहाँ पर इसका मतलब ना तो इस्तेमाल करना है, ना ही इसको वेस्ट करना है। मतलब वो कहता है कि possess my heart, be the possessors of my heart, because right now my heart is full of worldly desires. मेरा दिल दुनिया की ख्वाहिशात से भरा हुआ है, मेरे दिल में दुनियादारी भरी हुई है, जबकि मैं इस चीज को पसंद नहीं करता, मैं दुनियादारी से परे हट जाना चाहता हूं। आई नीड समथिंग स्पिरिचुअल एंड फास्टन टू आर डाइंग एनिमल इट्स नो एंड फास्टन टू आर डाइंग एनिमल, ये सेंटेंस इस शायर ने अपनी जात से मुतल्लिक कहा है। डाइंग एनिमल से मुराद है हिज बॉडी, उसका वजूद, चूंकि शायर ने इसमें खुद को बूढ़ा तसव्वुर किया है, तो वो लिखता है, वो कहता है कि मेरी रूह एक मरते हुए जानवर के साथ जुड़ी हुई है। वो जानवर क्या है? वो उसका वजूद है, जिस्म है, जो कि मौत के बाद कब्र में उतार दिया जाएगा, वो यहीं रह जाएगा, और वो अपने इस जिस्म से निजात चाहता है, वो रूहानियत की दुनिया में जाना चाहता है। लिहाजा I repeat these two lines, consume my heart away, sick with desire and fastened to our dying animal.
इट्स नोज नॉट वट इट इज एंड गैदर मी इन टू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी. इट नोज नॉट वट इट इज, वो नहीं जानता कि सब कुछ क्या है. एंड गैदर मी इन टू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी. लफज आर्टिफिस का लफ्जी मतलब होता है एक चाल, धोखा जिसमें शामिल हो, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद चाल या धोखा नहीं है, बल्कि वो इन सेक्स से मुखातिब होकर कहता है कि प्ले अ गुड ट्रिक, अ पॉजिटिव ट्रिक एंड टेक मी टूवर्ड्स इटर्निटी. एक तरतीब करो, एक रास्ता बनाओ, एक चाल चलो और मुझे यहां दुनियादारी से दूर ले जाओ. इट्स द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम. वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग. वंस आउट ऑफ नेचर, आउट ऑफ नेचर से यहाँ पर मुराद है कि वंस द पोइट हैज डाइड, एक मतलब जब वो मर जाता है. इस यहाँ पर नेचर को एक और भी मतलब है और वो है साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. वंस आउट ऑफ नेचर, नेचर मीन्स साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. द पोइट सेज वंस ही हैज डाइड एंड वंस ही हैज गोन अवे फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जब वो जिंदगी और मौत के इस चक्कर से बाहर निकल जाएगा. आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, तो मैं दोबारा किसी कुदरती चीज की सूरत शक्ल इख्तियार करना नहीं चाहूंगा. यानी कि अगर इस दुनिया की तरफ वापस भी आना पड़े तो मैं कोई वजूद अपनाना नहीं चाहूंगा, ना किसी परिंदे का, ना किसी जानवर का. बट सच एज फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्डस्मिथ मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेमलिंग. यहां पर एक परिंदे की तरफ इशारा है. ग्रीजियन गोल्ड स्मिथ का जिक्र हुआ, यूनान के रहने वाले एक गोल्ड स्मिथ ने, एक मिथ है जी, माइथोलॉजी है कि यूनान के रहने वाले किसी गोल्ड स्मिथ ने सोने को पीट कर कूट कर एक परिंदा बनाया था और उस पर सोने का रंग भी था. और उसका काम क्या था, इट वॉज कंसिडर्ड दैट द बर्ड मेड ऑफ गोल्ड विल ट्रिप विल सिंग एंड विल कीप द किंग अलाइव एंड अवेकनिंग ही विल नॉट लेट द किंग फॉल असलीप. वो इस बादशाह को सोने नहीं देगा. तो शायर कहता है कि मैं उसी परिंदे में ढल जाना चाहूंगा, उसी परिंदे जैसा बन जाना चाहूंगा जो कि किसी ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ ने, सुनार ने बनाया था और वो गोल्ड इनेमल्ड था, यानी उस पर सुनहरी रंग था. टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक, और इस तरह से गनूदगी में जाते हुए बादशाह को वो जिंदा अवेक जागता हुआ रखता था. मेरा भी यही मकसद होगा. और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटाइन ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम. या फिर वो क्या करेगा, शायर कहते हैं कि ही वुड लाइक टू सिट अपॉन द बो ऑफ अ ट्री मेड ऑफ गोल्ड, हिज ब्रांचेस विल आल्सो बी मेड ऑफ गोल्ड. ही वुड लाइक टू सिट in the branches, in the golden made branches of a tree and would sing to the men and women of Byzantine about their past, about their present and their future. Yani he will preach the people. He will preach the people of Byzantine what has happened, what is happening and what might happen in future. ये सब कुछ उन्हें बताया सिखाया जाएगा, शायर का ये कॉन्सेप्ट है. तो अब इस नज़म पे थोड़ा सा तबसरा करते हुए मैं कहूंगा कि इट इज अ सब्जेक्टिव पोइम. ये पूरी तरह से एक सब्जेक्टिव पोइम है. शायर ने अपनी जात का जिक्र किया है, उसके ख्याल में ही डिस्टर्ब, वो रूहानी तौर पर डिस्टर्ब है क्योंकि इस दुनिया में अपने इर्द गिर्द उस शायर को सिवाय एंटरटेनमेंट के, लस्ट के कुछ नजर नहीं आता. हर शख्स दुनियादारी और दुनिया की लज्जतों में खोया हुआ है, जबकि शायर बूढ़ा हो चुका है और इसके बूढ़े वजूद का अब इस दुनिया में कोई काम नहीं है, कोई हैसियत नहीं है. लिहाजा ही वॉन्ट्स टू लर्न स्पिरिचुअलिटी एंड ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इंटू अ स्पिरिचुअल बींग.
वो स्पिरिचुअलिटी रूहानियत सीखना चाहता है और एक रूहानी वजूद में ढल जाना चाहता है। ये थी जी हमारी एक पोइम सेलिंग टू बेजेंटाइन। उसके बाद द सेकंड कमिंग, एक छोटी सी नज़म है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन पहले की तरह से सेलिंग टू बेजेंटाइन भी बड़ी अहम नज़म है। डब्ल्यू बी यीट्स की लिखी हुई नज़मों में से इसे बड़ी अहमियत है। द सेकेंड कमिंग का इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करते हैं। जब हम नज़म द सेकेंड कमिंग को पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें टीएस एलियट की वेस्ट लैंड याद आ जाती है। आपको याद होगा जब मैंने मॉडर्न पोइट्री पढ़ाना शुरू की थी, तो मैंने कहा था कि जितने भी मॉडर्न पोइट्स हैं जिनका ताल्लुक सन 1900 से है, दे आर ऑल मॉडर्न, दे वर ऑल बैडली इफेक्टेड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बाय द डिस्ट्रक्शन एंड ब्लडशेड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दे वर मेंटली डिस्टर्ब। मॉडर्न पोइट्स में से जितने भी हैं यूरोप और अमेरिकास के, उन्होंने चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तबाही को देखा था, कुछ ने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही को भी देखा था, तो वो सब लोग दे वर बैडली डिस्टर्ब बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर। वो लोग जहनी तौर पर मुतासिर थे, उन्होंने अपने इर्द गिर्द तबाही, बर्बादी और खून रेजी देखी थी, और इनमें से बहुत से लोग तो खुद जंग में शामिल हुए थे एज अ सोल्जर, सिपाही के तौर पर। उन्होंने खुद अपने हाथों से इंसानों का खून बहाया था, इंसानियत का खून बहाया था। अब चूंकि शायर, राइटर्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, दे फील एवरीथिंग, दे फील एवरी चेंज इन सोसाइटी, तो डब्ल्यू बी यीट्स भी उन्हीं में से एक था। डब्ल्यू बी यीट्स ने अपने मुआशरे में अपने इर्द गिर्द जो तबाही देखी, उसे महसूस किया। ही वॉज इफेक्टेड रेदर डिस्टर्ब, वो इससे बड़ा मुतासिर था, जहनी तौर पर बड़ा मुतासिर था, और वो इससे निजात पाना चाहता था। अब जब हम इस नज़्म द सेकंड कमिंग को पढ़ते हैं, मैं इसका खुलासा कुछ इस तरह से बयान करूंगा कि सेम द वेस्टलैंड वाली सिचुएशन है। शायर कहता है कि उसके इर्द गिर्द तबाही है, डिस्ट्रक्शन है, और ऐसा दिखता है इस तबाही को देखकर कि जैसे क्राइस्ट की सेकंड कमिंग का जमाना है। क्योंकि जब क्रिश्चियन माइथोलॉजी के मुताबिक जब क्राइस्ट इस दुनिया में आते हैं, तो उस वक्त दुनिया में अफरातफरी थी, डिस्ट्रक्शन थी, इखलाक की तबाही थी, इंसानों का इखलाक तबाह हो चुका था। और अब इस वक्त सेकेंड वर्ल्ड सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जबकि डब्ल्यू बी यीट्स जिंदा है, तो उसने अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी ही तबाही और बर्बादी देखी है जैसी कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट थी। लिहाजा वो महसूस करता है कि शायद क्राइस्ट की सेकंड कमिंग का वक्त आन पहुंचा है, कि जो इतनी अफरा तफरी है, इतनी बदनज़मी है, ये नज़म है जी। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइटनिंग गायर, द फॉल्कन कैनोट हियर द फॉल्कनर। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइटनिंग गायर, गायर मीन्स अराउंड सर्कल, एक गोल दायरा। वाइटनिंग गायर एक ऐसा सर्कल है, एक दायरा है, जो कि वसी होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो वाइटनिंग गायर है, ये शायर के नजदीक वो दुनियावी परेशानियां हैं, वो तबाही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, कि जो खत्म होने को नहीं आ रही, इसमें इजाफा और इजाफा होता चला जा रहा है। वो देखता है कि द साइकिल ऑफ डिस्टर्बेंस, द साइकिल ऑफ टेंशंस इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट एंडिंग, द पोइट्स कैन नॉट सी इट्स एंड, इट्स स्टॉप एनीवेयर। अगली मिसाल उसने फॉल्कन एंड फॉल्कनर से दी है। फॉल्कन उकाब, जो कि एक शिकारी परिंदा है, और फॉल्कनर उकाब पालने वाले को, उकाब की ट्रेनिंग करने वाले को कहते हैं। द ट्रेनर ऑफ फॉल्कन इज कॉल्ड अ फॉल्कनर। तो कहते हैं कि द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉल्कनर, कि अब उकाब अपने ट्रेनर की बात नहीं सुनता।
फॉल्कन और फॉल्कनर का मतलब क्या है, जो इनर मीनिंग है इसका अंडर द सरफेस। फॉल्कन रूह कह सकते हैं, फॉल्कनर मजहब की तालीमात, इखलाक की तालीमात है। कहता है कि अब रूह मजहब और इखलाक की तालीमात नहीं सुन रही। दूसरी चीज, फॉल्कन से मुराद ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, और फॉल्कनर उनके प्रीचर्स हैं, उनके मुबल्लिग हैं, उनको तबलीग करने वाले, उनको सीधी राह पे रखने वाले, या उनके टीचर्स हैं, उनके उस्ताद हैं। तो कहते हैं कि अब इंसान अपने प्रीचर्स की, अपने टीचर्स की बात नहीं सुन रहा, वो अपने नफ्स की बात सुनता है, वो इखलाक की बात नहीं सुन रहा, वो मजहब की बात नहीं सुन रहा। ये दो तरह की एक्सप्लेनेशन हैं इस सेकेंड लाइन के लिए, फॉल्कन एंड फॉल्कनर से मुतल्लिक। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड। थिंग्स फॉल अपार्ट मतलब कि देर इज डिस्टर्बेंस एवरीवेयर, हर तरफ अब अफरा तफरी है, तबाही है, सब कुछ बिखर चुका है। द सेंटर कैनॉट होल्ड, नथिंग इज एट इट्स प्रॉपर प्लेस, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है। मियर अनार्की इज लूजन अपॉन द वर्ल्ड। अनार्की मतलब लाकानूनियत, अफरा तफरी, कि इस दुनिया में अब हर तरफ लाकानूनियत है, अफरा तफरी दिखाई देती है। ऐसे दिखता है कि सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हैज लॉस्ट इट्स ग्रिप अपॉन द वर्ल्ड, कि जैसे मरकस ने, सेंटर ने अपनी ग्रिफ्त ढीली कर दी हो। हम इस थर्ड लाइन में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज सेंटर को थोड़ी देर के लिए कैपिटल सिटी से, दारुल हुकूमत से कंपेयर करते हैं, कि जैसे अगर दारुल हुकूमत की गिरफ्त पूरे मुल्क पर ढीली पड़ जाए तो फिर बगावतें होती हैं, खाना जंगी होती है, सिविल वॉर्स होती हैं, और डिसओबीडियंस फैल जाती है। तो शायर भी यही कहना चाहता है कि सेंटर कैन नॉट होल्ड, कि अब ऐसे दिखता है कि जैसे सेंटर अपने सूबों को संभाल नहीं पा रहा, यहाँ हर तरफ अनार्की है, अफरा तफरी है। द ब्लड जिम्ड टाइड इन लूजेंड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड। द ब्लड डाइम्ड टाइड इज लूजेंड। ब्लड डाइम्ड टाइड एक सैलाब को नाम दिया गया है, इसको हम समझने के लिए तूफान नूह से कंपेयर करते हैं। इस्लामिक माइथोलॉजी के मुताबिक हमारा मानना है, हमारा ईमान है, कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक मोहतबर पैगंबर थे, और जब उनकी कौम ने उनकी बात ना सुनी तो फिर रब ने नूह से कहा कि ए नूह, तू एक कश्ती बना और अपने पैरोकारों को अपने साथ ले जा, बाकी जो मुनकिर हैं उनका मामला मेरे साथ छोड़ दे। तो एक तूफान बरपा हुआ, एक सैलाब आया, जिसमें सब मुनकिर काफिर बह गए थे। उस तूफान नूह की तरफ इशारा करते हुए शायर कहते हैं कि द ब्लड डाइम टाइड इज लूजर्ड, एक सैलाब है जो आ चुका है, एक टाइड है जो कि अब लूज हो चुकी है, यानी अपनी हदों से, अपने किनारों से बाहर है। एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड, और हर तरफ मासूमियत को खत्म कर दिया गया है। इनोसेंस हैज ड्राउंड इन दिस फ्लड, इस सैलाब में मासूमियत तो जैसे डूब चुकी है। द बेस्ट लैक ऑल कॉन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। द बेस्ट लैक ऑल कॉन्विक्शन, द बेस्ट से मुराद है द बेस्ट पीपल ऑफ सोसाइटी, द एजुकेटेड पीपल, द स्कॉलरली पीपल, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्कॉलरली तबका है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लैक कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन क्या होता है, नीयत इरादा, मतलब दे आर अनअवेयर ऑफ फ्यूचर, दे डोंट नो व्हाट शुड बी डन, दे डोंट नो व्हाट स्टेप दे शुड टेक टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस अफरा तफरी के आलम में क्या करें, किस तरफ को जाएं, या फिर अपनी कौम की रहनुमाई किस तरह से करें, वो फैसला नहीं कर पा रहे। इसके बारेक्स, वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, जबकि जो मुआशरे का बदतरीन तबका है, मतलब दोज हु आर वर्ल्डली माइंडेड पीपल, द पीपल Whose aim is to earn money and world only, वो लोग जिनका मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया कमाई जाए और पैसा कमाया जाए,
वो बड़े पैशनेट हैं क्योंकि वो इस तबाही से फायदा उठाना चाहते हैं। हमने ईडियम्स सेकेंड ईयर में पढ़े तो उसमें एक ईडियम हम पढ़ा करते थे, फिश इन ट्रबल वाटर, यानी दूसरों की मुश्किलात से फायदा उठाना। तो जो दुनियादार लोग हैं अब वो बड़े पैशनेट हैं, उनका ख्याल है कि अब वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे या ज्यादा से ज्यादा मादी फायदा हासिल कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में शायर ने अपने मुआशरे के हालात पेश किए हैं जो कि इखलाकी अफरा तफरी और समाजी अफरा तफरी की तरफ भी इशारा करते हैं कि उस समाज में जहाँ डब्ल्यू बी हीट्स जिंदा था, वहां ना तो इखलाक था, ना नज्म व जब्त था, ना ऑर्डर था, सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका था। ऐसे में जो दुनियादार लोग हैं वो ऐसे में जो दुनियादार लोग हैं वो दुनिया कमाने के दर पे हैं, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम फायदा हासिल कर लिया जाए, जबकि जो अकलमंद लोग हैं, जो पढ़े लिखे स्कॉलरली लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि अब क्या किया जाए, कौम की किस तरह से रहनुमाई की जाए, किस तरफ को जाना है, दे नो नथिंग। ओके, सेकंड स्टैंजा की तरफ आते हैं। श्योरली सम रेवल्यूशन इज एट हैंड। अब इन तमाम हालात को देखते हुए शायद ये नतीजा करता है कि शायद कुछ मामला रोनुमा होने वाला है। लफ्ज़ रेवल्यूशन को हम वही के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, रिवील लफ्ज़ी मतलब होता है सामने आना। तो फिर शायर कहते हैं कि श्योरली सम रेवल्यूशन इज एट हैंड, यानी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज गोइंग टू टेक प्लेस। आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि कुछ गैर मामूली वाकया होने वाला है, कुछ जाहिर होगा, खुदा की तरफ से कुछ जाहिर होगा। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, और वो क्या है, द सेकंड कमिंग यानी हजरत ईसा का दोबारा रूनुमा होना, दुनिया में आना करीब है, ईसा की आमद आमद है। शायर ये कंक्लूड करता है, द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअल मंडराय ट्रबल्स माई साइड। ओके, जब उसने लफ्ज द सेकेंड कमिंग कहा तो शायर कहते हैं कि अभी बमुश्किल ही मैंने ये लफ्ज सेकेंड कमिंग कहा था कि एक इमेज मेरे सामने बन गया। अल्फाज पे जरा गौर कीजिएगा, कहते हैं कि द सेकेंड कमिंग, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी हैरानगी का, जोश का इजहार है कि जैसे ही मैंने लफ्ज सेकंड कमिंग कहा, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट कि एज सून एज द पोइट अटर्ड दोज वर्ड्स, जैसे ही ये अल्फाज उसकी जुबान से निकले, अदा हुए, तो क्या हुआ, व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअल मंडराय। स्पिरिचुअल मंडराय मीन्स ब्रेन, दिमाग, कि मेरे दिमाग में एक इमेज बन गया, एक ख्वाब, एक अक्स बन गया, यानी मैंने कुछ देखा, और वो क्या था, ट्रबल्स माई साइड, उस मंजर ने मुझे खौफजदा कर दिया। ट्रबल्स माई साइड, मेरी आंखों को परेशान कर दिया। वो खौफनाक मंजर था जो कुछ उसने देखा, उसके जहन का बनाया हुआ इमेज, तस्वीर बड़ी खौफनाक थी। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट अ शेप विद लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, कहते कि फार अवे इन द डेजर्ट लैंड, कहीं सहरा में मैंने एक वजूद देखा, उसका सारा शेप विद लाइन बॉडी, शक्ल उसकी शेर जैसी थी, एंड द हेड ऑफ अ मैन, सर सॉरी वजूद उसका शेर वाला था, जबकि हेड ऑफ अ मैन, सर उसका इंसान वाला था। इसको स्फिंक्स कहा जाता है, इस वजूद को जिसका जिक्र हुआ कि शेप विद अ लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, कि उसका वजूद बनाया गया था, उसके वजूद को शक्ल दी गई थी शेर की, सर था उसका इंसान का। इस तसव्वुराती मखलूक को स्फिंक्स कहते हैं, इंग्लिश में इसका एक खास लफ्ज है, और जो अजायबात मिस्र हैं उनमें से ये एक वजूद है जिसका धड़ शेर या शेरनी का है और सर एक इंसान का है। अजायबात मिस्र में से ये एक वजूद है, एक मुजस्मा है जो कि मिस्र में है। तो कहता है कि उस जैसा एक वजूद मेरे सामने आया,
सहरा में था वो और उसने मुझे खौफ जदा कर दिया। अगेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। अगेज, गेज मतलब नजर निगाह, और उसका देखने का अंदाज कैसे था, बिल्कुल ब्लैंक और पिटीलेस था। बेरहमी थी उसकी निगाहों में, उसकी नजरों में कुछ नहीं जचता था। ऐसे दिखता था गोया कि उसकी निगाहें खाली खाली है, उसकी निगाहों के सामने कोई एम, कोई मकसद नहीं है, वो किसी खास डायरेक्शन में नहीं देख रहा। ये मतलब है ब्लैंक गेज का। अगेज ब्लैंक मतलब ऐसे दिखता था कि वो मखलूक देखती थी मगर किसी खास डायरेक्शन में या किसी खास ऑब्जेक्ट को नहीं देख रही थी, उसका फोकस कहीं नहीं था। एंड पिटीलेस एज द सन, और उसकी निगाहें यूं चमक रही थी जैसे दोपहर का सूरज चमकता है, बेरहम सूरज चमकता है, मतलब बड़ी तेज रोशनी थी उसकी आंखों में। हम यूं तस्वीर कर सकते हैं, यह सूरज जैसी गर्म और शोले बाहर फेंकती हुई आंखें थी उसकी, ये मतलब ले सकते हैं। इस मूविंग इट्स स्लो थिंग्स, स्लो थिंग्स इसकी कदमों की तरफ इशारा है कि वो बड़ी आहिस्तगी से अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। ये स्फिंक्स बहुत ये स्फिंक्स बड़ी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इस मूविंग इट्स स्लो थिंग्स वाइल ऑल अबाउट इट, जबकि इसके इर्द गिर्द रियल शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। इंडिग्नेंट नफरत के लिए इस्तेमाल होता है, गुस्से के लिए भी इस्तेमाल होता है इंडिग्नेशन। कहा गया कि जब ये अक्स, ये ख्वाब शायर का, उसके जहन का तस्वुर चला जा रहा था बड़े सुस्त रफ्तार से, तो इसके इर्द गिर्द जो सहरा के परिंदे थे वो उड़ रहे थे, वो इससे मुतल्लिक अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, फिर से अंधेरा छा गया। और फिर क्या हुआ कि अंधेरा छा गया, बट नाउ आई नो दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप। हाँ जी, 20 सेंचुरीज का जिक्र हुआ, गौर कीजिए लफ्ज़ सेंचुरीज में एस कैपिटल है। अब ये पोएट, ये शायर जिक्र करता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फर्स्ट कमिंग से उसकी सेकंड कमिंग के दरमियान का जो दौर है, उसके ख्याल में ये 20 सेंचुरीज, 20 सदियों का दौर होगा। या फिर क्रिश्चियन माइथोलॉजी का कहना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 20 सदियां गुजरने के बाद दोबारा इस दुनिया में आएंगे। और क्रिश्चियन माइथोलॉजी के मुताबिक वो जो 20 सेंचुरीज है, वो जो 20 सदियां हैं, उनको स्टोनी स्लीप कहा गया है, यानी वो नींद का दौर था जब सब कुछ बिल्कुल ऐसे था जैसे सब कुछ पर नींद तारी है, और बड़ा जुल्म जबर का दौर था। वो स्टोनी स्लीप का दौर खत्म हो रहा है। वर वेक्स्ड टू नाइटमेयर बाय आर रॉकिंग क्रेडल, वर वेक्स्ड टू नाइटमेयर, वो जो बाय अ रॉकिंग क्रेडल, हाँ जी, रॉकिंग क्रेडल से बात करते हैं। ऐसे दिखता है कि वो जो 20 सदियों की स्लीप थी, उसका जो क्रेडल झूला था, दैट वाज वेक्स्ड, दैट वाज डिस्टर्ब, वो अचानक धचका झटका लगने से डिस्टर्ब हो गया था। एंड व्हाट रफ बीस्ट, एंड व्हाट रफ बीस्ट, इट्स आर कम अराउंड एट लास्ट। और फिर वो जो रफ बीस्ट है, आखिर उसका वक्त आन पहुंचा था। स्लाउचेस टूवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न, और ये बेथलेहम की तरफ जा रहा था, टू बी बॉर्न, कि वो पैदा होना चाहता था। अब वो जो बीस्ट है, जो उसके जहन में है, वो जो अक्स है, मंजर है, उसका जिक्र करता है कि ऐसे दिखता है कि जो बीस्ट है, पहले तो जो फर्स्ट कमिंग थी, ओके, इन आखिरी दो लाइंस को समझाने के लिए मैं बात को इस तरह से शुरू करूंगा कि जब हम फर्स्ट कमिंग का जिक्र करते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैतलहम में हुई। शायर कहता है कि पहले तो जब अफरा तफरी थी, अनारकी थी, तो बैतलहम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फर्स्ट कमिंग हुई। अब ये जो सेकंड कमिंग का दौर है, अफरा तफरी डिस्टरबेंस तो वैसी ही है, लेकिन ये जो स्फिंक्स मैंने देखी, ये जो खौफनाक वजूद मैंने देखा, ऐसा लगता है कि अब की बार ये बेतलहम की तरफ बढ़ रहा है, अब की बार इसका वजूद वहां होगा। तो ये जनाब इसकी सेकंड पॉइंट थी डब्ल्यू बी यीट्स की।
द सेकेंड कमिंग, जैसे कि अपने नाम के, जैसे कि अपने नाम से ही वाजे है, इसमें शायर ने अपने जमाने की अफरा तफरी का इजहार किया, उसके बाद वो अपनी थिंकिंग हमारे साथ शेयर करता है। शायर का ख्याल है कि जो भी हालात थे, ऐसे दिखता है कि सेकंड कमिंग है हजरत ईसा की। तो स्टूडेंट्स, इन दो पोइम्स के बाद एक तीसरी और आखिरी पोइम आपके सिलेबस में है, डब्ल्यू बी यीट्स की टोटल तीन नज़में आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं। और ये जो थर्ड पोइम है, ये जी ईस्टर 1916 के ईस्टर से मुतल्लिक है। 1916 का ईस्टर क्या था, इसका बैकग्राउंड में समझा देता हूँ। इन 1916 में आजादी की एक तहरीक चल रही थी, आयरिश मूवमेंट, जिसको आयरिश मूवमेंट का नाम दिया गया। ये तहरीक तो वैसे पहले से चल रही थी, 1916 में इसका आगाज नहीं हुआ, इट वॉज गोइंग ऑन, ये कॉन्टिन्यू थी। लेकिन अक्सर हादसात हुआ करते थे, झड़पें हुआ करती थी, तो ईस्टर के मौके पर 1916 में भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ कि लिबरेशन मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग, आजादी की जिद्दोजहद या आजादी की तहरीक से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग मारे गए। द पोइट वॉज डिस्टर्ब बाय देयर डेथ, शायर उनकी मौत से बड़ा मुतासिर हुआ और उसने ये नतीजा खस किया कि इनकी मौत से एक चेंज, एक तब्दीली तो आई है, लेकिन वो तब्दीली, वो चेंज बड़ा खौफनाक है। उनकी मौत से खूबसूरती तो पैदा हुई है, यानी उन्होंने अपनी जान देकर इस आजादी की तहरीक को और मजबूत कर दिया। उनके जान देने से, उनकी शहादत से, उनके मर जाने से एक चेंज, एक तब्दीली तो आई है, एक एलिमेंट ऑफ ब्यूटी तो सामने आया है, लेकिन वो जो एलिमेंट ऑफ ब्यूटी है वो बड़ा टेरिबल है, उसके पीछे बड़ी अजियत है। और सादा और आसान लफ्जों में मैं यूं कहूंगा कि ये जो नज़म है ईस्टर 1916, ये इनफैक्ट उन चंद लोगों को ट्रिब्यूट पेश किया है शायर ने, जो कि उसके जमाने में मारे गए थे, लिबरेशन मूवमेंट का हिस्सा थे, चूंकि खुद डब्ल्यू बी यीट्स भी आयरिश मूवमेंट और आयरलैंड की आजादी का बड़ा हामी था, और उसने अपनी पोइट्री में इस चीज का जिक्र किया है। और डब्ल्यू बी यीट्स को पढ़ने के दौरान हमने ये पढ़ा था कि यीट्स को आयरलैंड का नेशनल पोइट कहा जाता है। उसकी वजह यही है कि मुल्क कौम से मुतल्लिक, अपने समाज से मुतल्लिक उसकी खिदमात रही है। उसने अपने आयरलैंड की ट्रेडिशंस को, उसके लिटरेचर को रिवाइव करना चाहा, उसने अपनी शायरी में लिबरेशन मूवमेंट की हिमायत की और उसने आयरिश थिएटर का आगाज किया। तो डेफिनेटली ऐसे शख्स का मुतासिर होना बनता है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए इस नज़म को पढ़ना शुरू करते हैं। शायर लिखता है कि आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे कमिंग विद विविड फेसेस। I have met them, मैं उनसे मिल चुका हूँ, मैंने देखा था उनको। them से मुराद वो लोग हैं जो मारे गए हैं, जिन्हें ब्रिटिश सोल्जर्स ने, बरतानवी सिपाहियों ने मार दिया है, क्योंकि वो आजादी के लिए तहरीक चला रहे थे। तो कहते हैं कि मैं उनसे मिल चुका हूँ, क्लोज ऑफ द डे, जब शाम ढल रही होती थी, जब दिन खत्म हो रहा होता था, कमिंग विद विविड फेसेस, बड़े वाजह चेहरों के साथ, रोशन या खुशबाश चेहरों के साथ वो आ रहे होते थे। फ्रॉम काउंटर और डेस्क अमंग ग्रे, फ्रॉम काउंटर और डेस्क, काउंटर और डेस्क से मुराद ऑफिस की तरफ इशारा है, यानी वो लोग किसी ऑफिस में काम करते थे, कहीं बिहाइंड द डेस्क बैठे होते थे, किसी काउंटर के पीछे खड़े थे, वो कोई शॉपकीपर थे, वो कोई टेपिस्ट थे, वो कोई क्लर्क साहबान थे, वो जो भी थे, अपनी ड्यूटी खत्म करके वो आ रहे होते थे, और मैंने बड़े रोशन चेहरों के साथ उनको देखा था। ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेस, जब वो 18th सेंचुरी यानी पुराने जमाने के बने हुए घरों के सामने से करीब से गुजर रहे होते थे, खास लोकेलिटी इलाके की तरफ इशारा है, जहां पुराने जमाने की इमारत थी और पुराने जमाने की बिल्डिंग्स के करीब से ये लोग गुजर रहे होते थे, अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे होते थे, और शायर की वहां उनसे मुलाकात होती थी। आई हैव पास विद अ नॉड ऑफ द हेड और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स, कभी मैं उनके करीब से गुजर जाता सिर्फ सर हिलाकर
या कभी चंद अल्फाज का तबादला हुआ करता था पोलाइट बड़ी शफकत के साथ, मगर वो मीनिंगलेस वर्ड्स हुआ करते थे, बेमायनी अल्फाज होते थे, यानी कुछ खास बात नहीं होती थी, किसी संजीदा टॉपिक पर मौजू पर हमारी गुफ्तगू नहीं हुआ करती थी, बस हेलो हाय थी दूर की। और हैव लिंगर्ड अ वाइल एंड सेड पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स, और हैव लिंगर्ड अ वाइल, हाँ कभी ऐसा भी होता था कि हम उनके साथ चंद कदम चलते थे और कुछ अल्फाज का तबादला भी हुआ करता था, मीनिंगलेस वर्ड्स, लेकिन वो अल्फाज बेमानी हुआ करते थे। एंड दो बिफोर आई हैड डन ऑफ अ मॉकिंग टेल और अ गाय टू प्लीज अ कंपेनियन, और कभी हम कुछ ऐसे अल्फाज कहते मॉकिंग मिजाह भरे अल्फाज हुआ करते थे अपने किसी साथी को खुश करने की गर्ज से, कुछ मजाक भी हो जाता था, कुछ अल्फाज का तबादला हुआ करता था, टू प्लीज अ कंपेनियन अराउंड द फायर एट द क्लब, और वह कहाँ पर, अराउंड द फायर एट द क्लब, कभी हम क्लब में बैठे हैं आतिशदान के करीब बैठे हैं, चाय का कप हमारे हाथ में है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, कभी किसी ने कोई जोक कोई चुटकुला सुना दिया, कोई जोक की, बींग सर्टेन दैट दे एंड आई बट लिव्ड वेयर मॉटले इज वॉर। मॉटले एक ड्रेस एक लिबास का नाम है, इट इज अ मल्टी कलर्ड गाउन, मुख्तलिफ रंगों से बना हुआ एक गाउन लंबा सा लिबास होता है, और आयरिश पीपल इसको पहना करते थे इस्तेमाल किया करते थे, उनकी ट्रेडिशन में शामिल था, और इस मॉटले की बिना पर ये मजाक का निशाना थे। बर्तानिया वाले इंग्लैंड वाले इनको क्लाउन समझते थे क्योंकि ये लिबास कई एक रंगों पर मुश्तमिल होता था, रंगीन लिबास था, इसको पहनकर इंग्लिश पीपल का ख्याल है, इंग्लिस्तान वालों का ख्याल है कि जो आयरिश लोग थे इसको पहनकर ये क्लाउन ये मसखरा दिख